आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों को साथ में। स्पंज बनाएंगे हम, वैनिला स्पंज बनाएंगे और दो प्रकार से स्पंज बनाएंगे आप लोग दिखाते हैं और अलग अलग बनाएंगे और मॉफिन्स भी बनाएंगे। तीन रेसिपी एक साथ मिलेंगी। 250 ग्राम हमने मैदा लिया है, शक्कर ये 20 ग्राम की चम्मच है और इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम शक्कर डालेंगे, 250 ग्राम शक्कर डालेंगे। दही लिया, दही लेंगे हम इसमें 50 से 60 ग्राम। कर्ड ये देखिए, बेकिंग पाउडर, सोडा, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, सोडा 3 ग्राम, थोड़ा ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए बेकिंग पाउडर और सोडा दोनों डाले हमने, ये देखिए बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, सोडा 3 ग्राम। इसको इस तरीके से देखिए मिक्स करेंगे और अभी आप देखना कितना भयंकर उसके अंदर खमीरा बनेगा, एकदम फूलने लग जाएगा। और दही का है तो सोडा एकदम कम ही डालना है, ना तो आपका केक काला कर देगा। काला मीन्स बीट कलर ले आएगा। और हमने दूध डाला, दूध डालेंगे इसमें हम 150 ग्राम, तेल, तेल या बटर आप कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों में से 25 ग्राम। ये देखिए इसको फेंट लेंगे, ये देखिए कितना भयंकर खमीरा बन गया इसमें, जो दही में हमने सोडा और वो मिलाया था बेकिंग पाउडर, और इसको इस तरीके डाल दिया हमने। अब फेंट के बस हम लगा देंगे इसको, ये फेंट लिया हमने इसमें डाल के। दूध या पानी कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हम एसेंस डालेंगे, वेनिला एसेंस स्पंज बनाने के लिए। और आप लोगों को बताया कि हम दो स्पंज दिखाएंगे आप लोगों के लिए, उसमें से आपको जो अच्छा लगता है, जो आसान रेसिपी लगती है आप बना सकते हैं। ये इस तरीके से हम काट लेंगे बटर पेपर, ये देखिए हल्का सा ऑयल लगाया, इस तरीके से दोनों में ऑयल लगाना है जो, ये देखिए, और ये बटर पेपर लगा दिया। नीचे भी बटर पेपर लगा दिया और इसमें हम जो हमने बैटर बनाया है स्पंज बनाने के लिए, स्पंज के बाद में केक बनाते हैं, और ये हमने बैटर डाल दिया स्पंज के लिए। और ये 30 मिनट में पकेगा और 160 पे पकाना है, 30 मिनट का टाइम लगेगा इसको पकने में। और ये देखिए रेडी हो गया और ये बढ़िया सॉफ्ट है, लेकिन सोडा कम डालना है ना आपका बीट कलर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप लोग बढ़िया बना है, सॉफ्ट बना है, और इसको ठंडा होने के बाद में काट के दिखाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, और हम बनाएंगे केक उससे। तो इस तरीके से आप लोग स्पंज बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बना है, सॉफ्ट है। तो चलिए, हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए हम दूसरा बना लेते हैं। ये हमने मैदा लिया है, मैदा लेंगे हम 250 ग्राम। ये बनाएंगे हम GMS पाउडर और CMS पाउडर से। ये देखिए 250 ग्राम मैदा लिया, वो दही से बनाया था, ये GMS पाउडर CMS पाउडर से। शक्कर डालेंगे 250 ग्राम, ये 20 ग्राम की चम्मच है। ये देखिए CMS पाउडर और GMS पाउडर, ये लिए दोनों हमने 4-4 ग्राम। बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, सोडा लेंगे 3 ग्राम, वेनीगर डालेंगे इसमें करीब 40 ग्राम। ये देखिए जैसे वेनीगर डाला वैसे ही उठने लगा, ये देखिए इस तरीके से पूरा बिल्कुल उकलने लग गया। ये GMS पाउडर और CMS पाउडर और GMS पाउडर।
और ये हमने दूध डाला, और दूध डालेंगे इसमें हम 150 ग्राम दूध डालेंगे। ऑयल डालेंगे 25 ग्राम, ऑयल या बटर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें बटर लेना, जिससे हम मॉफिन्स भी बनाएंगे और आप लोग मॉफिन्स भी दिखाएंगे इसमें बनाकर। तो ये दिन डाल देते हैं और इसी से हम मॉफिन्स भी बना लेंगे। ये देखिए ये डाला, तो इस तरीके से मॉफिन्स और दोनों स्पंज की रेसिपी आप लोगों को दे रहा हूँ। इसको फेंट लेंगे और इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे थोड़ा सा। ये रेडी, और इसको लगा देते हैं। आप लोगों को बताया 250 ग्राम लिया हमने, और ये वेनिला एसेंस 2-3 ड्रॉप डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये डाला 2-3 ड्रॉप, और इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। जो स्पंज आपको अच्छा लगे और आप वो बना लें। और आपको एक दही वाला दिखाया, दूसरा हमने जो बनाया जीएमएस पाउडर से बनाया वो आपको दिखाया। ये इस तरीके से इसको हम लगा लेंगे, और ये जो हल्का सा हार्ड बनेगा, हल्का हार्ड रहेगा, लेकिन एक्लेस तो हल्का हार्ड ही होता है स्पंज। तो जब हम इसमें बटर, और देखिए इससे हम मॉफिन्स भी बनाएंगे। ये मॉफिन्स के लिए डो, इसमें हमने पिस्ता, काजू बादाम, पिस्ता डाला ऊपर से। तो इसी डो के हम मॉफिन्स बना लेंगे। आप टूटी फूटी किशमिश जो जाओ वो इसमें आप डाल सकते हैं। और चलिए हम दोनों को बैक करने के लिए डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया, और ये हमारा पकेगा 30 मिनट में, और 160 के टेम्परेचर पकाना है। OTG ले ले, माइक्रो ओवन में, जिसमें भी आप पकाना चाहें, हम ओवन में पका रहे हैं। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है स्पंज, जो GMS पाउडर से बनाया था। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं स्पंज, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है और सॉफ्ट भी है, पर हल्का हार्ड रहेगा ये, लेकिन अच्छा है। GMS पाउडर से जो बनाया बेस्ट है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और जो दही वाला बताया वो हल्का सा बीट कलर में जाएगा। और ये देखिए मॉफिन्स, हमने बटरस्कॉच डाला था, और देखिए इस पे बटरस्कॉच डाला था, बाकी पे पिस्ता डाला था, जो हल्का सा ब्राउन दिख रहा है उस पर हमने बटरस्कॉच डाला था। और इस तरीके से आप लोग मॉफिन्स बना सकते हैं, इसी से स्पंज बना सकते हैं। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और आप लोगों को लिंक दे दूंगा सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, और इसमें हमने पंजाबी ग्रेवी डाली, बड़े गजब की है। आप लोग लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। मखनी ग्रेवी पंजाबी ज़रूर देखना, बहुत गजब की। एलो ग्रेवी चॉप मसाला, इसके आप लोग लिंक दे दूंगा, जाके चेक करना। और ये देखिए इस तरीके से आप लोग मॉफिन्स रेडी कर सकते हैं और स्पंज। तो आप लोगों के लिए 3 रेसिपी बताई हमने, तो आप लोगों को जो अच्छी लगती है आप बना लीजिए। और जो GMS पाउडर से बताया है, हल्का सा हार्ड रहेगा लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इसी से हमने मॉफिन्स बनाए, GMS और CMS पाउडर से जो बनाए वो मॉफिन्स बनाए हैं और स्पंज। और जो दही वाला आप लोगों को दिखाया मैंने, वो हल्का सा ब्राउन रहेगा, तो आप उसमें थोड़ा कम डालें ना, तरह बिल्कुल बीट की तरह हो जाए, जैसे बीट ब्रेड होती है इस तरीके से कलर।